आखिर क्यों इस मंदिर का पानी हो जाता है साल में 3 दिन के लिए पूरी तरह से लाल। इस मंदिर से जुड़ी वो हर रहस्यमय बात जो लोगों से छुपाई गई, और क्या सच में धारी देवी मंदिर के कारण आई थी 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़, और कैसे इस मंदिर में हजारों सालों से जमीन से निकल रही आग। क्या है भारत के इन रहस्यमय मंदिरों की सच्चाई और इनके पीछे के रहस्य जानेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कामाख्या देवी मंदिर। दोस्तों भारत मंदिरों का देश कहा जाता है, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरे हुए हैं। एक ऐसा ही रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर में 6 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर मौजूद है। ये मंदिर माँ भगवती कामाख्या का शक्ति पीठ कहा जाता है। ये माता सदी के 51 शक्ति पीठों में से एक है, और इस मंदिर का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर माँ भगवती की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों इस मंदिर में माँ भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है, और इसकी पूजा भी की जाती है। अब आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी कई सारी वजह मानी जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के नाम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कामदेव ने किसी श्राप के कारण अपना पौरुष खो दिया था, और उन्हें इस श्राप से मुक्ति माँ सती की योनि से मिली थी, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मान्यता प्रचलित है वो ये है कि जब माता सती ने देह त्याग दिया तब भगवान शंकर इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उनके मृत शरीर को अपने हाथों में लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। महादेव के तांडव से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसे संतुलित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को नष्ट कर दिया था, जिससे उनके शरीर के कई सारे टुकड़े गए थे। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे, जहां पर माता के 51 शक्ति पीठ मौजूद हैं, और कामाख्या देवी मंदिर की उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। इस स्थान पर माता की योनि आकर गिरी थी, जिसके कारण इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर रखा गया। जब इस पर्वत पर माता सती की योनि गिरी तो उसके कारण यहाँ पर कामाख्या देवी का जन्म हुआ, जिसके कारण ही इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर रखा गया है। दोस्तों माता सती के देह त्याग करने के पीछे की कहानी ये है कि माता सती के पिता दक्ष भगवान शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने उन्हें अपमानित करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर और माता सती को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। माता सती अपने पिता के महायज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन भगवान शंकर आमंत्रण न होने के कारण नहीं जाना चाहते थे। लेकिन माता सती के हट के कारण भगवान शंकर ने माँ सती को उस महायज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब माँ सती अपने पिता के महायज्ञ में पहुँची तो उनके पिता ने वहाँ पर महादेव का बहुत अपमान किया, जिसे सती बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उन्होंने उस हवन कुंड की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर ने माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचा दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु को माता सती के शरीर को नष्ट करना पड़ा। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य साल के 3 दिन यहाँ के पानी का लाल हो जाना है, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इस मंदिर के पानी के लाल होने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि साल के इन 3 दिनों में माता कामाख्या देवी रजस्वला होती है, यानी कि उन्हें पीरियड्स आते हैं, और उन्हीं के खून से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी दुनिया के किसी भी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों को यही लाल रंग का पानी प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे भक्त बहुत श्रद्धा से ग्रहण भी करते हैं। इसके अलावा लोगों को एक और चीज प्रसाद के रूप में दी जाती है, जो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दोस्तों लोगों को यहाँ पर एक लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। इस लाल रंग के गीले कपड़े को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब माता कामाख्या देवी की मासिक धर्म आते हैं तो एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। इन 3 दिनों तक मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है, और जब 3 दिनों के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वो सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। इस लाल कपड़े को भक्त ले जाकर अपने घरों में पूजा वाले पवित्र स्थानों में रखते हैं, और इसे माता कामाख्या का आशीर्वाद माना जाता है, और इसकी पूजा भी की जाती है। इस कपड़े को अम्बुपाची वस्त्र कहा जाता है, और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। साल के 3 दिन यहाँ अम्बुपाची मेले का आयोजन भी होता है, और इसके अलावा दुनिया भर से तांत्रिक अपनी साधना के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों यहाँ भूतनाथ शमशान है, जहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिकों का मेला लगता है, जो माता कामाख्या से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी तांत्रिक को माता कामाख्या का आशीर्वाद नहीं मिलता तो उसकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। दोस्तों इस मंदिर में माता की योनि की पूजा का ये कारण माना जाता है कि माता अपने हर एक रूप में पवित्र है और पूजा के योग्य है। लोग माता को किसी भी रूप में अपवित्र नहीं समझ सकते, जैसा कि भारतीय समाज में आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान औरतों को समझा जाता है। और जिस तरह माता अपने हर रूप में पवित्र है, उसी तरह औरत भी हर एक रूप में पूजा के योग्य ही है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों माता का ये मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में रहस्यमय तरीके से कई हजारों सालों से जमीन के अंदर से 9 आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी, जिसके कारण इसका नाम ज्वाला देवी रखा गया। इस मंदिर में निकलने वाली 9 ज्वालाओं को माता के 9 रूपों के रूप में पूजा जाता है। ज्वालाओं के पीछे का रहस्य क्या है, आज तक इसका कोई भी वैज्ञानिक कारण पता नहीं चल सका है। हर साल इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के इस स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की मनोकामना इस मंदिर में पूरी हो जाती है। नंबर 3, धारी देवी मंदिर। दोस्तों अब जिस मंदिर की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा
रहस्यमयी है। वैसे तो ये मंदिर माता का कोई शक्ति पीठ नहीं है, लेकिन इसका महत्व उनसे भी बहुत ज्यादा है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस मंदिर के बारे में एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय माता की मूर्ति आपको एक बच्ची के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में एक औरत के रूप में, और शाम ढलते ही ये मूर्ति एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। लोगों का मानना है कि धारी देवी माता उत्तराखंड के स्थित चारों धाम की रक्षा करती है। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये प्रतिमा यहाँ पर द्वापर युग के समय से मौजूद है, लेकिन एक मान्यता ऐसी है कि ये प्रतिमा यहाँ एक बार भीषण बाढ़ के चलते बहकर आई थी और एक चट्टान से टकरा कर यहीं रुक गई, जिसके बाद यहाँ माता धारी देवी के मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोग ऐसा मानते हैं कि 2013 में आई उत्तराखंड की बाढ़ इसी मंदिर के कारण आई थी। दरअसल दोस्तों, 16 जून 2013 को इस मंदिर को तोड़कर इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया था और इसके कुछ घंटे बाद ही पूरे उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ ने कहर मचा दिया था। इस महाप्रलय में हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से माता का मंदिर बनवाकर इस मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित कर दिया था। आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से इस मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में बाढ़ आने के पीछे इस मंदिर का क्या रहस्य है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।